हेलो दोस्तों, नमस्ते। कब्र है, कब्र आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके नीचे कहते हैं, इसके नीचे सुरंग है जिसमें एक पूरी बारात गायब हो गई थी, जो अकबर की भी सौतेली माँ कह सकते हैं थी, और वो दोनों भाई थे अकबर और आदम खान। हेलो दोस्तों, नमस्ते। ये अभी हमें महरौली दिल्ली में, साउथ दिल्ली में, और आज हम जाने वाले हैं बहुत ही एक अनोखी जगह जिसका नाम है भूल भुलैया। तो अभी हम ये भूल भुलैया के पास, ये देखिए, आदम खान का मकबरा भी कहते हैं इसको। तो चलिए चलते हैं भूल भुलैया, ऊपर चलते हैं, आइए। ये देखिए, तो अब वहाँ पर आ गए हैं भूल भुलैया में। यहाँ पे ये ऊपर हवाई जहाज ये जा रहा है। ये कुतुब मीनार के बिल्कुल ऑपोजिट साइड में, ये कुतुब मीनार आपको दिखाते हैं, दिख रही है ये सामने कुतुब मीनार। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ एक चीज़ के लिए फेमस है, भूल भुलैया है। और कहते हैं इस भूल भुलैया में पूरी बारात एक गायब हो गई थी। हाँ जी, आप सही सुन रहे हैं, पूरी बारात यहाँ पे गायब हो चुकी थी। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं अंदर क्या है। ये देखिए, अभी जो हमारे सामने ये कब्र है, कब्र आप देख रहे हैं यहाँ पे। इसके नीचे कहते हैं, इसके नीचे सुरंग है जिसमें एक पूरी बारात गायब हो गई थी उस टाइम के ज़माने में, मतलब मुग़लों के ज़माने के टाइम पे। तो एक बारात ने यहाँ पे आश्रय लिया था, उस बारात के पूरे मेहमान इस भूल भुलैया के नीचे गायब हो गए थे। तो कहते हैं कि ये सुरंग यहाँ से निकल के काफ़ी लंबी है, जो आगे दिल्ली में बाहर निकलती है। तो ये काफ़ी रहस्यमय जगह है, उस हिसाब से देखा जाए तो छोटी जगह है, लेकिन आ सकते हैं यहाँ पे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अब बाहर निकलते हैं। आपको बहुत से हवाई जहाज मिलेंगे ऐसे, फिर बाहर से आपको मकबरा दिखाते हैं, फिर बाहर से आसमान दिखा, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और आपको थोड़े इस मकबरे के बारे में बता देते हैं। ये मकबरा जो है 1561 में अकबर ने बनवाया था, और आदम खान उनके दरबार में उनके सलाहकार थे। आदम खान को भी अकबर ने ही मरवाया था और उन्हें यहाँ पे दफनाया गया था। और आदम खान की मौत के बाद उनकी माँ की मौत भी हो गई थी 40 दिन बाद, जो अकबर की भी सौतेली माँ कह सकते हैं थी, और वो दोनों भाई थे अकबर और आदम खान। और दो आदम खान और उनकी माँ को, दोनों को यहाँ पे इस मकबरे में दफनाया गया था। और एक चीज़ और कही जाती है, 1830 में बंगाल सिविल के अंग्रेज अफसर ब्लैक ने इस मकबरे को अपना निवास स्थान भी बनाया था। ये पतली सी दीवार, इस पे चढ़ के देखते हैं इसके पीछे वाली साइड क्या है। इसके पीछे वाली साइड है पूरा जंगल, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों, आपको बताते हैं यहाँ पे पहुँचना कैसे है। हाँ, यहाँ पे आसान है पहुँचना, कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से आप आ सकते हैं। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से आप ऑटो ले सकते हैं, या फिर यहाँ पे महरौली बस स्टैंड है, मेन बस अड्डा है महरौली का, ये सामने यहाँ पे वो दिख रहा है बोर्ड। अगर आप कुतुब मीनार आते हैं तो यहाँ आना भी वर्थ है, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे कुछ ऐसा देखने के लिए नहीं है। मैं सोच के आया था कि यहाँ पे कुछ बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, बट ठीक है, एक रहस्यमय आपको पता लग जाता है यहाँ पे, भूल भुलैया जो है उसका पता लग जाता है। और यहाँ पे मौसम का अच्छा मज़ा ले सकते हो आप, मौसम बहुत ही सुहाना होता है यहाँ पे, और बहुत सारे आपको एरोप्लेन भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे ऊपर उड़ते हुए, जैसे कुतुब मीनार से देखने को मिलते हैं। तो कुतुब मीनार पे मेरी अलग से वीडियो बनाई हुई है मैंने, वो वीडियो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पर डाल चुका हूँ, वो वीडियो भी आप ज़रूर देखें। और जब भी आप विज़िट करें यहाँ पर कुतुब मीनार, तो यहाँ पर आप ज़रूर आएँ। और यहाँ पर मार्केट भी बहुत अच्छी है, महरौली की मार्केट मानी जानी मार्केट है, दिल्ली की मानी जानी मार्केट है। यहाँ पे आप शॉपिंग भी अच्छी कर सकते हैं, और यहाँ पे खाने के रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। और मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो।